आमर बुद्धिजीवी मैंने जो मैंने उपस्थित होते समस्त को स्वागत करुच्छे अभिनंदन जनाऊँ आपन जो प्रश्नटी कले जे विकास जगत ओडिशा जगत सिंहपुर विकास संपर्क विगत 70-75 वर्ष स्वाधीनता पर आज आम जगत सिंहपुर विकास कथा आलोचना को जाऊे विकास जे होना आम कह विकास निश्चित भाव एवं व्यक्तिगत भाव में मुझे क्या आक्रोश करने चाहूनी आप देखु जगत सिंहपुर जिला जी विकास हबार कथा ता प्रकृत में आज पर्यंत हो पारिना से इच्छा शक्तिर अभाव अच्छी राजनैतिक नेतृमंडल जो मैंने जगत सिंहपुर जिलार नेतृत्व अतीत नहीं जगत सिंहपुर जिला को प्रगति क्षेत्र में आगे नहीं सांप्रतिक मझीरे अनेक राजनैतिक द्वंद्व एवं इच्छा शक्तिर अभाव जो जगत सिंहपुर जिला जी विकास हवा कथा हो पारा ना गोटे उदाहरण आप दबाव चाहे 7-8 मसीहा बेले 2007-2008 बेले भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार मिलित उद्यम जगत सिंहपुर भाई गोटे जिले में 52,000 कोटी टंकार गोटे शिल्प पोस्को शिल्प प्रतिष्ठा होगापी जो स्वप्न भारत सरकार देखते राज्य सरकार भी देखते आम जगत सिंहपुरवासी देखल एवं से आम समस्ते स्वप्न देखल जगत सिंहपुर जिले में अनेक बेकारी युवक चाकरी पाइबे जगत सिंहपुर व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति हे एवं आमर प्रगतिर जो विकास कथ आम कहे आम निश्चित भाव में ओडिशा रे कहीं सारा भारत वर्ष अग्रणी स्थान तत्कालीन जो मैंने राजनीतिर नेतृत्व से नौले मु ना धरने चाहूनी से मानकर बादानुवाद भितर तांकर मतांतर भितर एवं परस्पर भितर बुझाणार अभाव जो तांकर अहंकार जो राज्य सरकार इच्छाशक्तिर अभाव जो पोस्को भाई एक 52,000 कोटी टंकर प्रकल्प ओडिशा फेरीगला जगत सिंहपुर फेरीगला पोस्को प्रकल्पटी जदि होता माननीय प्रधानमंत्री जहाँ वक्तव्य निर्वाचन बेले कहते आम सरकार को आसिले वर्षक 2 कोटी लोक निजुक्ति देव 2 कोटी केते निजुक्ति नदी से कथा जनसाधारण कहे आपण मैंने कहे कि आम आशा करूँ जो पोस्को प्रकल्पटी जदि जगत सिंहपुर प्रतिष्ठा लाभ करता आम निश्चित भाव आम जिलार किसी लोक उपकृत होता परवर्त अवस्था जो तो जो कथा आमर पारादीपर नेता कहते संपद बाबू पारादीप गोटे शिल्पायन क्षेत्र से इको कहतु पीपीएल कहतु ऑयल रिफाइनर कहतु जिते शिल्प मुंड टेकी सी शिल्पायन जगत सिंहपुर जिलार बेकारी युवक एत निजुक्ति आज सुधा पाई मु पचार चाहूँगी जो मैंने भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिनिधित्व करदिन ते आम ओडिशार श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान से मध्य ओडिशार प्रतिनिधित्व करते भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्री थे से मतलब बड़ उच्चस्वर कहते आम ओडिशार युवक मानक जगत सिंहपुर युवक मानक अग्राधिकार देव मुझी जे पारादीप जो शिल्पायन मुंड टेकी केवक जगत सिंहपुर ओडिशार नियुक्ति पाई से कथा को छाड़े आम आहरी भितर को जी धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनइबी स्वर्गत विजु पट्टनायक 62 मसीह जो श्रीयुक्त विजु पट्टनायक ओडिशा रे मुख्यमंत्री दायित्व थिले पारादीप बंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे नेहरू सहायता रे करथिले तांकर स्वप्न थिला पारादीप बंदर हबो एवं सर्वभारतीय स्तर में सर्व पृथ्वी में एक अन्यतम अग्रणी बंदर हेला 62-63 मसीहा पर से 27 वर्ष पर्यंत सरकार को आसपारे ना क्षमता को आसपारे ना जदि 77 मसीह आसते से मुख्यमंत्री होते 90 मसीह 93 मसीह जो 90-95 से मुख्यमंत्री रे 93 मसीह 13 जिला को 30 जिले ओडिशा कले आम गर्वित जे आम जिला जगत सिंहपुर जिलार मान्यता पाइला तत्कालीन जी आम विधायक थे स्वर्गत विष्णु बाबू एवं अन्यान्य जो मैंने बुद्धिजीवी थे मोर मन पड़ी जड़े आडभकेट थे चतुर्भुद आचार्य से सब लिखुले पोस्ट कार्ड में जगत सिंहपुर को जिलार मान्यता दि जाऊ जगत सिंहपुर जिलार जिते दलय विभिन्न राजनीतिक दल नेतृमंडली जिते मैंने शिक्षाविद थे समस्ते चाहूल जिला हूँ से तत्कालीन विधायक श्रेय ने आम जिला है आम गर्वित 93 मसीह आज जिला है 27 वर्ष भितर आम जिले आप जानते जगत सिंहपुर
विकास कहले शिक्षा को बुझाए, विकास कहले आमर स्वास्थ्य को बुझाए, गमनागमन को बुझाए, विभिन्न दिग को आम जब विचार करवा जगत सिंहपुर जिला स्वास्थ्य क्षेत्र आज अवहेलित। अच्छा ये गोटे कथा पचारे पूरा सिस्टमटा कहले मानिले भी जितेबाला आपंकर बंदर बिजुबाबू जो आशीर्वाद थी सिस्टमेटिक कर आणले तो आप दीर्घ दिन कांग्रेस ही शासन में थी ग्रांड ओल्ड पार्टी आप शासन में थे तेणु से जो आज जो आप मैंने दोष दौना सीधा सब कौन रियलीटा कौन से समय आपंकर जहाँ दायित्व थी आप निर्वाह कर कौन एक्जाक्टली पॉइंट टू पॉइंट कर बंदर है जगत सिंहपुरवासी के उपकृत होती पूरा तेना आप जानते पारादीप बंदर जिते प्रकल्प आज हो सब कांग्रेस सरकार बेले इफ्को कहतु ऑयल रिफाइनर कहतु पीपीएल भी कहतु केवल आम स्वर्गत वाजपेयी जो आई ऋषभ तार समाप्त आमर जे मनमोहन सिंह करते तत्कालीन इफ्को जो है सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष प्रडक्शन एत बढ़ला सारे चाहिदा बढ़ला और जगत सिंहपुर तार सुनाम नहीं निजुक्ति से कथा ना कि दीर्घ दिन धरी जो व्यापक भाव में बेकारी बढ़ला जो निजुक्ति युवक मैंने इम्प्लॉयमेंट ना रेजिस्ट्रेशन कलापर बुलिले जो चित्कार कले रोजगार पे हाहाकार कले से जो निजुक्ति दबा कथा से सरकार आ कांग्रेस बेले जी कार्यक्रम सब होता बर्तमान विशेष भाव में किसी आखिदृशिया डेवलपमेंट होता नुहे। अच्छा अच्छा गोटे कथ पचार नटवर बाबू धर्मेन्द्र प्रधान को दोष दौले कहीं करना चार रु चौदह आपंकर सरकार थी आपड़ा केन्द्र सरकार थी से तो पोर्ट कुआ उठी पड़े ना पोर्ट भी थी आप केन्द्रीय संस्था थी से जगह के जगत सिंहपुरवासी चाकरी देखते चाकरी पाई निश्चित आप देखिए जो पारादीप बंदर होत बंदर जो आरंभ हो विभिन्न शिल्पायन मुंड टेकी से जगत सिंहपुर अधिक ना कि अंशर लोक चाकरी पाई टेक्निकाल नलेज थोड़ा लोक बाहर चाकरी पाई कि इमीडिएट पीरियड भितर आप देखिए जगत सिंहपुर जिलार प्राय कहीं पाइना हिसाब तो नटवर बाबू मो पाखे ना एक्जाक्टली कांग्रेस समय के धर्मेन्द्र बाबू के नजर धर्मेन्द्र बाबू के मुझे दोषारोप करू ना मोर कह कथा कि उच्च स्वर कहते धर्मेन्द्र प्रधान कहते जगत सिंहपुर जिला युवक मान चाकरी मिल प्रधानमंत्री कहते दि कोटी लोक आम चाकरी देव वर्ष को से कहते आपने भी कहे आउ गोटे कथा मुझे कहवाक चाहिए जो पोस्को भाई जो प्रकल्प आम फेरीगला से आप देखिए तत्कालीन जो मैंने जगत सिंहपुर जिलार नेतृत्व नौ जो मैंने से आंतरिकता नाला कहना परस्पर परस्पर को दोषारोप करते मुखला खाली भाव कौच उभय जो जगत सिंहपुर जी विधायक थे मंत्री हालात से डॉक्टर दाम राउत चाहू नए नेतृत्व में हूँ जो सी मंत्री हेले ये चाहू नौ प्रयास आम प्रयास समस्त जनसाधारण थी किंतु मान्यवर मुख्यमंत्री से गोटे डाकिले मीट अल पार्टी मीट डाक से आम जगत सिंहपुर जिले में दुईज कंग्रेस एम एल ए थे उमेश स्वाई और चिरंजीवी स्वाई किंतु मान्यवर मुख्यमंत्री से केवल विष्णु बाबू और दाम राउत को डाकिले तत्कालीन जो मीटिंग कले पोस्को से पोस्को से बाद पोस्को हो पारे इन मीट डाकिले मुझे जिला परिषद सभापति आमको डाकि ना मान्यवर मुख्यमंत्री दिनक पोस्को अंचल को आसीना जो ढिंकिया पाखे जो मैंने आंदोलन करुले जहाँ तरह ग्रीन लाइट जाऊला जो दावी करुले निजे आसिक अनुधान कर समाधान करने जो उद्यम करता से नटवर बाबू चिरंजीव बाबू तो ये विधायक थे दीर्घ समय किस दिन किसी आप टर्म्स थे आपर में स्थायी बसस्टाण्ड टी ना यहाँ कौन आप दायित्व ना कि कहीं कले ना ना सामर्थ्य बाहर थी यहाँ गोटे कथ मेडिकाल समस्या थी आप कौन उद्यम कले वाटर लगिंग रो समस्या आछ आपनकर म्युनिसिपैलिटी रे विभिन्न जगह आपे कोन करले ए जो छोट छोट जिंचा उडा एटा ही तो विकास दिगर जाय ना निश्चित निश्चित स्वत चिरंजीव विश्वाल 2014 रे जगसिंहपुर विधायक हले 2014 2019 2014 रे 2019 भितरे जने विरोधी दल रे विधायक भाबरे से किछि जथेष्ट कार्य करिसेंति। अच्छा ये जो छोट छोट रास्ता करबा पानी वाटर सप्लाई करबा स्थायी बस स्टैंड बस स्टैंड होइछ बस स्टैंड आपनकर स्थायी बस स्टैंड अछि स्थायी अछि हां स्थायी बस स्टैंड वर्तन होइछ सेटा माने आपनकर सर्किट हाउस पाखरे ना किछि होइछ स्थायी बस स्टैंड अछि मेडिकल कथा जो कहले आपनकर ओडिसा राज्य सरकार जत निष्पत्ति नेले विभिन्न हॉस्पिटल को स्पेशल कैटेगरी हॉस्पिटल करियो बेली सेतबेले जगत सिंहपुर आंदोलन हला नाउगांठारु जगत सिंहपुर
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲିଗଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲେ ଯେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପାଇଁ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଜଗତସିଂହପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସିଂମାନେ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ନାଜ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରର, ଯେତେବେଳେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନଟର ବାବୁ, ଏସବୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅତି ବରିଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଏବଂ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହିଁ କ୍ରିଏଟ କରୁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରଥି କାହିଁ ସାଜୁନାହାନ୍ତି, ନଟ ଓନ୍ଲି ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ବାବୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମିଶିକି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲେ ତ ହଉନି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦଳୀୟ ନଟବର ବାବୁ ଆଗେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରୟାସ ହବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି 2024 ହବ 23-22 ବେଳକୁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା, ଏବେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ଅବଶ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର କିଛି ନେତୃମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଅବସର ନେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ତିନି ଜଣ ନୂଆ, ଜଣେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥରେ ଏମ୍ପି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେଇ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ମୋ ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ବିଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ସାରଥି ସାଜନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜଗତସିଂହପୁର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୀମିତ ନ ରହି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପାର୍ଟରେ ହେଉ ଆମେ ଚାହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।